सब्सक्राइब कीजिए स्कूप चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों 2019 चुनाव से पहले हुआ है बड़ा खुलासा, नोटबंदी की वजह से गई 50 लाख लोगों की नौकरियां। खबर जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के नोटबंदी के ऐलान के बाद देश के करीब 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। इस बात का खुलासा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2019 में हुआ है। CAC के अध्यक्ष और रिपोर्ट लिखने वाले मुख्य लेखक प्रोफेसर अमित बसोले ने हफिंगटन पोस्ट से कहा कि इस रिपोर्ट में कुल आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से 50 लाख रोजगार कम हुए हैं। कहीं और नौकरियां भले ही बढ़ी हों, लेकिन ये तय है कि 50 लाख लोगों ने अपना नौकरियां खोई हैं। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। बसोले ने आगे बताया कि डेटा के अनुसार नौकरियों में गिरावट नोटबंदी के आसपास हुई। सितंबर और दिसंबर 2016 के बीच 4 महीने की अवधि में और दिसंबर 2018 में अपने स्थिरांक पर पहुंची। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा किए जाने के आसपास ही नौकरी की कमी शुरू हुई, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इन दोनों के बीच संबंध पूरी तरह से स्थापित नहीं किया जा सकता है। यानी रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बेरोजगारी और नोटबंदी में संबंध नहीं दर्शाया गया है। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की ओर से जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अपनी नौकरी खोने वाले इन 50 लाख पुरुषों में शहरी और ग्रामीण इलाकों के कम शिक्षित पुरुषों की संख्या अधिक है। इस आधार पर रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि नोटबंदी ने सबसे अधिक असंगठित क्षेत्र को ही तबाह किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2011 के बाद से कुल बेरोजगारी दर में भारी उछाल आया है। 2018 में जहां बेरोजगारी दर 6% थी, यह 2000 से 2011 के मुकाबले दोगुनी है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में बेरोजगार ज्यादातर उच्च शिक्षित और युवा हैं। शहरी महिलाओं में कामगार जनसंख्या में 10% ही ग्रेजुएट्स हैं, जबकि 34% बेरोजगार हैं। वहीं शहरी पुरुषों में 13.5% ग्रेजुएट्स हैं, मगर 60% बेरोजगार हैं। इतना ही नहीं, बेरोजगारों में 20 से 24 साल की संख्या सबसे अधिक है। सामान्य तौर पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा प्रभावित हुई हैं। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में बेरोजगारी और श्रम भागीदारी दर बहुत ज्यादा है। नोटबंदी की वजह से हुई बेरोजगारी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।